ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन माह में लगने वाले मेलों की तैयारियों को लेकर मंदिर ट्रस्ट व प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सावन माह में होने वाले मेलों व शिव मंदिर की तैयारियों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन माह में लगने वाले मेलों की तैयारियों को लेकर मंदिर ट्रस्ट व प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सावन माह में होने वाले सोमवार मेलों व शिव मंदिर की तैयारियों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बार 22 जुलाई से मेलों का आगाज होगा व 12 अगस्त को अंतिम व चौथा मेला होगा। मेलों के दौरान प्रदेश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने व उनको सुविधा देने के लिए मंदिर से जुड़े पुजारी, ट्रस्ट व कर्मचारी तैनात रहेंगे तथा इनकी ड्यूटी भी निर्धारित की गई है। मंदिर के कपाट प्रातः 3 बजे खुले थे, तभी से श्रद्धालुओं का तांता लगने शुरू हो गया था तथा सुबह के समय आरती 5:30 बजे होगी। इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था व शौचालयों को ठीक किया गया है। वहीं खीर गंगा घाट को जाने वाली सीढ़ियों की मरम्मत की गई है। साथ ही खीर गंगा घाट में बने महिला व पुरुष सनाना घर की ठीक करके वो बाहर नए पर्दे लगवाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर व पीने की पानी की उचित व्यवस्था की गई है। लाइनों में लगने वाले श्रद्धालुओं को बरसात में होने वाली समस्या से निपटने के लिए मंदिर परिसर में वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बल यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी, जिसके अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था परिसर में की गई है। अनिल शर्मा ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर को प्राकृतिक फूलों से सजाया गया है, वहीं मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया है। उन्होंने बताया कि मेलों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, वो मंदिर के बाहर व अंदर पुलिस बल तैनात रहेगा। मेले के दौरान लगने वाले बाजार हाट व आवंटन की सही व्यवस्था कर दी गई है। 3 बजे सुबह मंदिर के कपाट खुले और कपाट खुलने के साथ ही भारी मात्रा में लोगों ने दर्शन करना शुरू कर दिए। 5:30 बजे हमने आरती की और उसके बाद से जैसा आप देख रहे हैं पूरे पंडाल में पूरा रश है और पूरी लाइनों की व्यवस्था जो है वो पार्क के अंदर करी हुई है और लंगर की व्यवस्था भी है। सुबह से चाय पानी के और इसके खीर के भी लंगर चले हुए हैं। श्रद्धालुओं में भारी आस्था देखी जा रही है। मात्र 12 बजे हैं और 12 बजे तक मुझे लगता है कि 40-30 हजार लोग जो है वो श्रद्धालु दर्शन करके चले गए हैं। प्रशासन की ओर से व्यवस्था श्रद्धालुओं को कैसे व्यवस्था की जा रही है? प्रशासन की तरफ से बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसको मंदिर को फूलों से, लाइटों से और टेंट से सजाया गया है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो बारिश में। कहाँ से आए हैं आप? ज्वालाजी से आए। मंदिर में पहली बार आए हो कि पहले भी आते हो? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। वैसे तो यहाँ से बहुत बार निकले हूँ मगर कभी भगवान का हुक्म नहीं हुआ। और इस बार क्या आस्था लेकर आए आप मंदिर? भोले शंकर के दर्शन करने के लिए आए हैं। पहले सुना भोले बाबा के बारे में? बहुत सुना जी, उनके जन्म में हमारे वहाँ भी शिवालय है। कितने बजे से लगे हैं लाइन में? यहाँ पर हम लगे हैं जी तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे। मैं हमीरपुर से आई हूँ और मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे। और ये सावन का महीना है जहाँ लोग भक्त आते हैं और बहुत श्रद्धा इस मंदिर की मान्यता है यहाँ की। और यहाँ घंटों लाइन में लगते दर्शन किए जाते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो वैसी कोई? कार्यक्रम में वक्ता चला छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।